आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आप लोगों की। आप लोग ना बहुत ही ऑसम हो यार, क्योंकि हमारी एक वीडियो आई थी इसी चैनल पर दैट वाज 7 अमेजिंग वेबसाइट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस वीडियो को आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि हमें इसका सेकंड पार्ट लाना ही पड़ा। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आप 500 कमेंट्स कर देते हो उस वीडियो पर तो इसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी, यानी और 7 नई वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं वो वेबसाइट्स लेकर आएंगे। तो आपने इतना जल्दी 500 कमेंट्स कर दिए तो हमें एकदम जल्दी से बस सारे काम छोड़ के हमें ये वाली वीडियो बनानी पड़ी। सो हियर इट इज, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि इतना ज्यादा आपने जो इस वीडियो को सपोर्ट किया, तो अब आपके लिए हम लेकर आए हैं 7 मोर अमेजिंग वेबसाइट्स दैट यू शुड नो अबाउट, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी, भले आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, एक स्टूडेंट हैं, आप सभी के बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी वेबसाइट्स आपको देखनी है, यू नेवर नो कि कौन सी वेबसाइट आपके कब काम आ जाए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WsCube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अमेजिंग वेबसाइट्स की जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और साथ ही आपका काम बहुत ही बेटर हो जाएगा पहले से। तो फर्स्ट वेबसाइट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है talktyper.com। talktyper.com, वैसे इन सभी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट जो है वो लिंक पर जा सकते हैं। अब ये talktyper.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एकदम फ्री में और बहुत ही इफेक्टिवली आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, यानी बोलेंगे आप और ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है या ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ये आपको लिख कर देगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली जाना है talktyper.com पर, कुछ भी लॉगिन वगैरह आपको नहीं करना है, सिंपली आपको माइक पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे माइक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जिन्होंने भी माइक की परमिशन नहीं दे रखी होगी यहाँ पर इस तरह से कुछ पॉपअप आएगा, उसको यस अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, सी मैंने वर्ड बोला, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। चलिए अब कुछ डिफिकल्ट ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है ना, मैं इसको बोलने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, फ्री स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेशन सॉफ्टवेयर इन अ ब्राउजर। सी कितना इफेक्टिव है ये। और अब सबसे मजे की चीज कि आप इसको इस तरह से कॉपी करके एंड अपने जहां भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी मैसेज में, किसी मेल में आपको टाइप करना है आप वहां पर लिख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको काफी सारी लैंग्वेजेस भी मिल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदी इसमें नहीं है, बट इंग्लिश है, उर्दू है यहाँ पर, तो इनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो वेबसाइट है, ये जो टूल है, ये एकदम फ्री है, तो जो भी लोग इस तरह का कोई टूल ढूंढ रहे थे उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की। तो नेक्स्ट वेबसाइट का नाम है photopea.com। देखिए, हम सभी को ही, चाहे आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, वेब डेवलपर हैं, चाहे किसी भी आप प्रोफेशन में हैं या स्टूडेंट भी हैं, तो आपको एक चीज की हमेशा जरूरत पड़ी होगी या फिर पड़ेगी, वो है हमारी फोटो एडिटर्स। ठीक है, फोटो एडिटर्स, इमेज एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, कुछ क्रैक्ड वर्जन लेते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये एक ऑनलाइन फोटो एडिटर है। ठीक है, इसको आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद में आप अपनी एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, वो सेव भी रहेगा ड्राइव में, एज वेल एज आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको जैसे क्या बनाना है इनमें से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट ऑप्शन पे गई और ये देखिए ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई। अब मुझे जो भी यहाँ पर एक्शन लेना है, मुझे यहाँ पर जैसे ब्रश लेना है या फिर मुझे कोई और इमेज लगानी है इसके ऊपर, ये मैं कर सकती हूँ। और काफ़ी अच्छा इसका इंटरफेस है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे क्रिएटिव्स आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। आप इवन यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसी के साथ ही काफ़ी सारी आप राइटिंग भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपना पुराना कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक और अमेजिंग चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो उसको आप PSD फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब PSD फॉर्मेट क्या होता है, तो जो भी लोग एडोबी फोटोशॉप यूज करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आपकी जो फाइल बनती है वो PSD में बनती है। तो आप यहाँ पर कुछ एडिट कर रहे हैं तो इसको आप लेकर PSD फॉर्मेट में डालकर और एडोब फोटोशॉप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। उसी के साथ ही नेक्स्ट वेबसाइट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो काम के साथ साथ कुछ सीखना चाहते हैं, बट आज के टाइम में जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उस केस में ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है academicearth.org। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ ले सकते हैं। उसी के साथ में हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसका नाम है mixkit.co। ये जो वेबसाइट है ना, ये जितने भी हमारे वीडियो एडिटर्स हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली है, या फिर अगर आप एक YouTube चैनल बना रखा है, आपने यूट्यूबर हैं और कहीं ना कहीं आपको वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये जो आपकी वेबसाइट है mixkit.co, इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे एसेट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे वीडियो क्लिप्स आपको यहाँ पे मिल गई 4K के अंदर। उसी के अलावा आपको एडिटेड जो हैं कुछ शॉर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे फूड पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फूड से रिलेटेड डिफरेंट जो हैं शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे और ये सभी फ्री हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऐसे फ्रूट वॉशिंग वाली चीज़ आ रही है, तो जब भी आप वीडियो क्रिएट करो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो एज योर स्टॉक वीडियोज़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट्स हैं और सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये देखो HD रेडी आप यहाँ पर कर सकते हो, फुल HD में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से क्लिक करोगे और विदाउट एनी अकाउंट क्रिएशन, कोई भी मैंने अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया है। और ये देखिए ये जो मेरी वीडियो है ये यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब चाहे मैं इसको वीडियो क्रिएशन के लिए यूज़ करूँ, अपनी वीडियोज़ में कुछ बैकग्राउंड के लिए यूज़ करूँ, वेबसाइट में मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, और ये अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे डाउनलोड हुई है, तो अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो उसके लिए एसेट्स कहाँ से लाएंगे। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी फील्ड है, उससे रिलेटेड आपको स्टॉक वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब इसके बाद में जो वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है glassdoor.com। तो वैसे तो इस वेबसाइट का यूज़ ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो जॉब ढूंढने के लिए करते हैं, और जो कि सही भी है। ये वेबसाइट पहले उसी के लिए आई थी, बट यहाँ पर इस वेबसाइट का जो एक सबसे मेजर फंक्शन है वो ये है, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको जॉब मिली है, आपको ज्वाइन करना है, तो आप उस कंपनी के रिव्यूज़ देख सकते हो। उस कंपनी में कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, जो करंट एम्प्लॉयज हैं वो उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है उस कंपनी में काम करने का, ये आपको इस वेबसाइट से पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैं कंपनीज में गई, देन मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप किया, दैट इज WsCube Tech। ठीक है, सर्च कर लेते हैं इसको और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंपनी आ चुकी है। टोटल 39 रिव्यूज हैं, यहाँ पर इतने लोगों ने अपनी सैलरीज वगैरह ऐड करी हुई हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, 4.6 इसमें वर्किंग की रेटिंग है, 93% लोग इसको रिकमेंड करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी से हमें ऑफर आया है, क्या सच में वो काम करने लायक है या नहीं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी के लिए तो अच्छा ये टूल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो जॉब करने जा रहे हैं या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमें नहीं पता पड़ पाता, जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि वहां का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो काफी टॉक्सिक है ना ऑल। तो आप यहां से जो है चेक कर सकते हो, काफी अच्छा ये टूल है। और उसी के साथ साथ जॉब्स ढूंढने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो आने वाली है आपके बहुत ज़्यादा काम। इस वेबसाइट का नाम है watermarkremover.io। अगर आप परेशान हो गए हैं अच्छी अच्छी फोटोज़ ढूंढते ढूंढते, कोई भी फोटो मिलती है तो उस पर कोई ना कोई वाटर मार्क या फिर टैग लगा होता है। ठीक है, तो उस केस में उस इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं, उसका वाटर मार्क हटा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, जहाँ पर भी मोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात हो, ब्लॉग मोनेटाइजेशन की बात हो, वहां पर कभी भी ये कॉपीराइट वाली जो इमेजेस होती हैं उनको यूज मत करना। हाँ, कहीं आप वीडियो में यूज कर रहे हो, किसी और सेक्शन में यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल किसी चीज के लिए यूज कर रहे हो तो इट इज गुड टू गो। कोई भी इमेज डाउनलोड करो, यहाँ से वाटरमार्क हटाओ एंड यू कैन यूज इट। बट जहां भी ऐसा आता है जहां पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, जैसे कि यूट्यूब पर आपको पता है अगर कॉपीराइट इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है आपका मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाता है या फिर आपका चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है या चैनल पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपली कोई भी इमेज जो है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये देखिए ये यहाँ पर एक इमेज है, मैं इसको एक बार डाउनलोड करती हूँ। ये करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस पर्टिकुलर इमेज को और देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो ये देखिए ये वाली इमेज थी जिस पर वाटरमार्क था और ये वाली इमेज है जिसके पास वाटरमार्क नहीं है। ठीक है, उसके अलावा लोगो वगैरह लगा हुआ है, इसको भी अगर आप ऑन करते हो तो लोगो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लोगो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट भी आप रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप ऑन यहाँ पर कर दीजिए तो टेक्स्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो दैट्स इट, देख सकते हैं आप इमेज, यहाँ से वाटरमार्क भी हट चुका है एज वेल एज हमारी लोगो भी हट चुका है एज वेल एज कोई टेक्स्ट था वो भी हट चुका है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने कुछ भी लॉग इन नहीं किया है, कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है, कुछ भी पे नहीं किया है और ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पर कंप्लीटली रेडी है विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी टेक्स्ट, विदाउट एनी लोगो। लेकिन जैसा मैंने बोला ध्यान रखना कोई भी ऐसी वेबसाइट के लिए यूज मत करना जहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते हो गुड टू गो। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट हमारे वेबसाइट की। वेबसाइट क्या है, ये ऑनलाइन एक टूल है जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है कई सारी वीडियोस में। ये जो हमारा टूल है इसका नाम है gitmind.com। अब gitmind.com जैसा नाम से पता चल रहा है ये एक माइंड मैप वाली टूल है, माइंड मैप वाला ये एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप अपनी वीडियोस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए काफी अच्छा माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, कभी भी आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, वीडियो बनानी है तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारा ये चीजें मतलब बनी हुई हैं। आप इनको इस तरह से ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये आप बहुत ही अच्छा और भी कई वैरायटी में बना सकते हो। ये देखिए जैसे कि मान लो अभी मैं प्रोडक्ट प्लान के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने किया, देन मैंने इसको ओपन कर दिया इस तरह से और ये कंप्लीटली मूवेबल होता है। ठीक है, इसको आप पूरा मूव कर सकते हो, इसको आगे पीछे इस तरह से जो पूरा मूव कर सकते हो। प्रोडक्ट विजिबिलिटी के बारे में बताना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये आपको बताना है तो इस तरह से माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो। अभी ये एक टेम्पलेट है, आप चाहो तो ब्लैंक भी इसको यूज करके अलग अलग थीम्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो न्यू मैप पे प्रोवाइड करेंगे बट इसके लिए एक बार गूगल से लॉग इन कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए न्यू मैप पर जाते हैं और ये देखिए ये ब्लैंक एक स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पर। तो मेन टॉपिक जैसे हमारा हो गया, जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एसईओ। एसईओ के बाद में मैं यहाँ पर एक जैसे ब्रांच में ऐड कर देती हूँ, जैसे एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ। ठीक है, एक और ब्रांच ऐड कर देते हैं, दैट वुड बी आर ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब ऑन पेज के अंदर जैसे आपको और सब ब्रांच ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देती हूँ कंटेंट इस तरह से। ठीक है, जितना चाहे आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसको जो है आप अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी थीम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन डू विद इट। ठीक है, जैसे मैं ये थीम का रख लेती हूँ तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से स्लाइड शो की तरह यूज कर सकते हो सो दैट सिर्फ यही स्क्रीन दिखेगी और बाकी जो है आप पूरा इसको प्रेजेंट कर सकते हो। जूम इन, जूम आउट, कितना भी आप इसको कर सकते हो और काफी अच्छा टूल है। मैंने खुद इसको वीडियोज में यूज किया है एंड बहुत ही मजेदार। ठीक है, तो डेफिनेटली चाहिए इस टूल को यूज कीजिए, अपने प्रेजेंटेशन को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बनाइए। चलो, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी शेयर कर दी जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही फन वेबसाइट भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इस वेबसाइट का नाम है JioGames। अब JioGames जिन जिन लोगों को नहीं पता, ये एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है जो कि लॉन्च की है जियो ने और यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ गेम्स हैं, फ्री है एकदम और काफी अच्छी क्वालिटी में। सो कभी ऐसा मन हो काम से परेशान हो गए हो, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हो, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, तो यहाँ पर आकर आप बड़े अच्छे गेम्स जो हैं खेल सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं फॉर एवरीवन, क्लासिक गेम्स से लेकर कुछ एडवांस्ड अच्छे ग्राफिक वाले गेम्स भी यहाँ पर हैं, क्विजेस भी हैं यहाँ पर, रेसिंग गेम्स भी हैं, फाइटिंग गेम्स भी हैं, काफी सारे यहाँ पर आपको गेम्स मिल जाएंगे और इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। काफी इजी टू यूज ये प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ जाना है JioGames.com पर। तो अगर यही सारे गेम्स आप खेलना चाहते हैं अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप पर, इसके लिए आपको जाना होगा cloud.jiogames.com। अभी काफी सारा इस पर काम बाकी है, यानी डेवलपमेंट फेज पे है, बट स्टिल आपको काफी सारे गेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे, काफी सारे गेम्स हैं जैसे वेब ऐप पर हमें करना है तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आप अपने जो फेवरेट गेम्स हैं वो चूज कर सकते हैं और उस गेम को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको आप स्मार्टफोन में भी खेल सकते हैं, आप इसको जियो का जो सेटअप बॉक्स है उससे यूज करके अपने टीवी में भी खेल सकते हैं, एंड्रॉइड टीवी पे खेल सकते हैं, जियो फोन के अंदर जो छोटा वाला फोन होता है कीपैड वाला उसके अंदर भी आप गेम खेल सकते हैं। तो अच्छी ये वेबसाइट है, जियो ने ये एक अच्छा गेमिंग जोन काइंड ऑफ बनाया है अपना, और सबसे बड़ी बात ये कम्प्लीटली फ्री है। तो डेफिनेटली इस साइट पर जाइएगा अगर लैपटॉप और पीसी में अगर आप ये गेम्स खेलना चाहते हैं तो दैट इज cloudplay.jiogames.com। तो ये थी हमारी कुछ और अमेजिंग वेबसाइट जो कि आपके बड़े काम आने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना, यानी इसी सीरीज का थर्ड पार्ट देखना, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। साथ ही किसी स्पेसिफिक टाइप की आपको वेबसाइट चाहिए जो आपके बहुत काम आए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WsCube Tech चैनल, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपके लिए लाते हैं बहुत सारी ढेरों अमेजिंग वीडियोज एंड प्रोफेशनल IT कोर्सेज। So do not forget to subscribe। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।